तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर में अभी जो चटरिंग हो रहा था अभी इसको अभी बंद किया गया है। ये देखिए वो कॉन्टैक्टर में लूज पार्किंग हो रहा था, ये देखिए पूरा काला हो गया है, ये देखिए पूरा टोटली काला हो गया है, देख रहे हैं। लिंक को तो अभी रगड़ के सीख कर दिया है, और इसका जो चैम्बर है ये जो रिटर्न ये बैठ नहीं रहा है, ठीक है, ये वाला रिटर्न बैठ नहीं रहा है, इसलिए ऐसा हुआ है। इसको CRC मार के ये वाला को एकदम बढ़िया से ये बैठना चाहिए, ठीक है। ये लिंक को घिस के रखता है तभी जाके इसका कॉन्टैक्टर आता है, तो इसको CRC मार के क्लीन करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। ये इससे पहले जो वीडियो में दिखाया था, ये देखिए इसका चैम्बर स्प्रिंग का, ठीक है, इसका पूरा क्लियर है, इसका अंदर में कोई रास्ट नहीं है, देख लीजिए, ठीक है। अभी रास्ट किधर है, ये देखिए ये दो है ना, ये देखिए ये रास्ट का चलते ये ऊपरली इसको रिटर्न खींच नहीं रहा है, इसलिए लिंक ढीला रह रहा है, ये है ऐसा, ठीक है। और एक तो क्लीन किया अभी इमली पेपर से इसको क्लीन कर दिया, देखिए ऐसे क्लीन होना है, ठीक है। ये देखिए स्प्रिंग को भी निकल के थोड़ा इसको बढ़ा दिया ताकि इसका प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है। ये देखिए इमली पेपर से इसको रगड़ के बना रहा हूँ, ठीक है। अभी इसको थोड़ा रगड़ दिया है इससे पहले ही, ये देखिए ये लॉक खोल के रखा हूँ, अभी इसको भी ऐसे ही बना देंगे चकाचक, उसके बाद इसको फिर लगा देंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा रगड़ के साफ कर लेते हैं फटाफट। ये देखिए दोनों को टोटली क्लीन कर दिया है, ठीक है। ये क्या है ना, ये जो जंग है इसको छुड़ा के चैम्बर में देख लेना है घुसा के, दे ये आसानी से अप डाउन हो रहा है कि नहीं, ये देखिए ओके है, ठीक है। ये देखिए ठीक है, तो ऐसे इसको देख लेने के बाद इसको इंस्टॉल कर देंगे। अब इसको लगा के इधर से, ये देखिए यहाँ लॉक लगेगा, वो जो कला वाला लॉक है ये वाला, वो इससे पहले एक वीडियो में टोटली दिखाया कि कैसे क्या लगाना है, तो चलिए इसको लगा लेते हैं, फिर इसको चार्ज भी करना है। एक तो चैम्बर में डाल चुका हूँ, ये देखिए लॉक भी कर दिया है, ठीक है। ये देखिए इसका अभी देखिए इसका खिंचाव कितना तगड़ा हो गया, दिख रहा है, ये देख रहे हैं पूरा सटाक से खींच लेना चाहिए, बस ऐसे करना है तभी जाके लिंक को बराबर में कॉन्टैक्ट कराएगा। अभी दूसरा वाला में डाल लेंगे, तो दूसरा भी डाल दिया है, ये देखिए ये फर्स्ट वाला है, देख रहे हैं फटाक से ले रहे हैं, ये सेकंड वाला है, अभी डाला हूँ, देख रहे हैं थोड़ा सा भी टेंशन नहीं है। अभी इसमें लिंक लगा देते हैं, तो ये देखिए लिंक लग चुका है, हम इसको लाइव थोड़ा दिखाते हैं, मेरा TRF तो लोड पे है, ठीक है। तो इसको थोड़ा खोल के हम लोग इसको ऑन करेंगे, थोड़ा रिक्त से है, ऑन करता हूँ, थोड़ा लाइव दिखाऊँगा जे ये जो फ्लैक्सिंग हो रहा था ये हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अभी इसको ऑन कर दिए हैं, अभी इधर से TRF कॉन्ट्रैक्टर को चार्ज करेंगे, सीधा दो नंबर में जाओ, दो नंबर, क्लियर क्लियर क्लियर, देखिए कोई प्लास्टिंग हो रहा है, लोड में है पूरा टोटली लोड में है, देखिए किलो वोल्ट मिली एम्पियर वोल्ट एम्पियर सब ले चुका है, HT ऑन हो गया है, अभी कोई फ्लैक्सिंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब रिपेयरिंग बहुत अच्छा हुआ है। तो दोस्तों देखते रहिए विद्युत इलेक्ट्रिकल से, ऐसे करके हम लोग काम करते हैं, इसको ढक्कन बंद कर देते हैं, शट डाउन दो, अभी इसको शट डाउन दो, देखिए मिली एम्पियर किलो वोल्ट सब आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। अभी इसको एक बार बंद करके इसका ढक्कन फक्कन लगा देते हैं, ये देखिए 140% तो की इसका आयुष दिया हुआ है, ठीक है, और 700 मिली एम्पियर तो चला गया है 140% में, ठीक है। और देखिए इसका भी रिजल्ट देख लीजिए, एम्पियर यहाँ तक गया है, 100 एम्पियर तक गया है, ये वोल्ट वाला भी है,
मिली एम्पियर किलो वोल्ट। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी चलता रहेगा।